29 जुलाई वर्ष 1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ। ये प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और महान समाज सुधारक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशेष दक्षता के लिए उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे, इस वजह से उनके प्रयासों से कई बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। विद्यासागर के प्रयासों से ही वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। 29 जुलाई वर्ष 1996 में अरुणा आसफ अली का निधन हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गईं और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगी। उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। देश के प्रति जीवन समर्पित करने वाली अरुणा को भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पद्म भूषण से और वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।